हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये बहुत ही खास है क्योंकि हमारे प्लांट के ऊपर है, तो मैं बताने वाली हूँ हम कितने कीमती प्लांट जो है जो नर्सरी से लाते हैं या हमारे यहाँ भैया जो भी बेचने आते हैं तो हम उनसे लेते हैं। तो क्या होता है, वो हमें गमले में दे जाते हैं और वो गमले में थोड़े दिन तो चलते हैं और फिर क्या होता है, वो थोड़े दिन के बाद बरसात के बाद ही या बरसात के रहते हुए भी थोड़े दिन के बाद ही वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों मरते हैं तो मैं आपको यही बताती हूँ। तो ये देखिए, ये प्लांट जैसे हिबिस्कस का है, ठीक है, ये अरेलिया का है, ये है और ये पेंटास का है। ये कई सारे मेरे प्लांट ऐसे थे जो मुझे ये पॉट में मिले थे और पॉट में हम बड़े खुश रहते हैं कि यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, हम इनको जैसे मिट्टी इसमें होती है, ये लाल या पीली ये वाली ठोस वाली, ये देखिए, तो हम ऊपर से कितना भी इनको खाद देते रहे तो ये क्या होता, नीचे तक नहीं जाता इसमें। तो ये जब बन के आते हैं बाहर से, इसी मिट्टी में आते हैं ज़्यादातर ये प्लांट हमारे, तो ये जो मिट्टी होती है ठोस होती है नीचे तक, अगर पानी जाता तो ये सोगी हो जाता, बिल्कुल टाइट हो जाता, सोगी नहीं होता, टाइट होता है। और टाइट के साथ साथ ये हमारा कुछ भी पोषक तत्व नहीं ले पाते, तो उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, ये ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अभी ये चल रहे हैं ये बरसात की वजह से, और अभी नए प्लांट है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इस वजह से तो ये चल रहे हैं। और धीरे 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 अगर हम इनको इनके हिसाब से इनको नहीं देंगे कुछ, तो इनके हिसाब से नहीं रखेंगे तो ये क्या हुआ, ये हमारे प्लांट धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है हमने। तो ये एक तो प्लांट को, ये प्लांटर अगर छोटा है, ये देखिए इतना सा है, 4 इंच का है, तो हमें इसको बड़ा प्लांट देना है। और इसकी सोयल पूरी चेंज करनी है, ये वाली जो सोयल है ये लाल वाली, तो इसको निकाल देना क्योंकि ये हमारे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। तो ये वहाँ तो वैसे मिट्टी की बुरी नहीं होती है, क्योंकि देखो इतना बड़ा प्लांट हो गया इसमें और वहाँ से ये चल के आ रहा है तो ये ठीक ठाक है, लेकिन हमारे क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ से ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ के हिसाब से इसको ये खाद पानी मिट्टी सब इसके हिसाब से देना पड़ेगा। और अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें मिट्टी बनानी है और इसको थोड़ा सा बड़ा प्लांट रख देना। अगर ये वाला हम काम कर लेंगे तो ये हमारे प्लांट जो है हमारे पास ये बने रहेंगे, हमारे गार्डन में बने रहेंगे, और नहीं तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं अगर हम इनको इनके हिसाब से सोयल नहीं देंगे और प्लांटर नहीं देंगे। तो आज इसी पर वीडियो है। तो मैं ये काफ़ी सारे मेरे प्लांट मैंने भी लिए थे, तो ये सब छोटे छोटे गमलों में है, तो इनको बड़ा गमला दूंगी और इन्हीं के हिसाब से मैं मिट्टी भी इन्हीं के हिसाब से सोयल बनाने वाली हूँ। तो आइए आज यही काम करते हैं, और बारिश भी है बरसात में ये काम अगर कर लेते हैं तो ये प्लांट भी हमारे नहीं मरते। अगर धूप होती है तब हम इसको करेंगे तो मरने के चांसेस होते हैं, इस समय बरसात में हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो मुझे तो बरसात का इंतज़ार था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि बहुत सारे काम किए मैंने, कटिंग के भी किए हैं और इनकी कटाई छटाई सारी धीरे धीरे मैं सारे काम कर रही हूँ, तो इस वजह से नहीं तो ये देखिए अगर हम नहीं देंगे तो ये इस तरह से ये सूखने शुरू हो जाएंगे। इसकी भी वैसे ही मिट्टी थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से देखो ये सूखना शुरू हो गया। तो इसलिए हमें ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है और मैं आज यही काम करूँगी। अगर हम अपने गार्डन में ये वाला एक काम कर लेंगे तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर हमें प्लांट बचाने हैं तो ये हमारा, हमें अपना ये काम ज़रूरी करना है ये वर्क, तो मैं तो आज करने वाली हूँ। बारिश भी हो रही है तो आइए, आपके में भी अगर ऐसा है, आपके पास भी ऐसे गमले हैं इस मिट्टी के, तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरा टिकोमा का प्लांट है, पिंक कलर का, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत फूल आता है और ये बहुत बड़ा हो गया है और ये बेल नुमा है, तो मैंने इसको कट भी किया था, तो 2 बार मैं इसको कट भी कर चुकी, तब भी ये देखो इतना फैल रहा है। तो इसके हिसाब से ये ग्रोथ बहुत हो रही है, लेकिन इसके हिसाब से इसमें ये फीडिंग नहीं है और इसकी सोयल भी नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले तो यहाँ से इसको कट कर दूँगी क्योंकि मुझे बेल वाला नहीं चाहिए, बेल वाले में सारे में फैलता है और फूल ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देते, तो मैं इसको यहाँ से ये कट कर दूँगी पूरा इतना लंबा, पहले भी कर चुकी इसको देखो, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो पहले अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं लगाने से पहले, तो इसका चेंज करूँगी गमला,
चेंज करने से पहले मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूँगी। ये जितनी हमें ये इसकी प्रूनिंग कर ली है तो उतनी कर सकते हैं, तो हार्ड तो नहीं करूँगी मैं इसका, तो इतना ही करूँगी बस। ये देखो यहाँ से कर दूँगी और ये फिर इसकी एक ये शेप आ जाएगी। ये देखो एक खूबसूरत सी ये अपनी शेप में आ जाएगा, प्लांट की शेप में आ जाएगा ये फिर। तो ये देखिए इनको भी मैंने ऐसे ही किया था, ये जैसे छोटा वाला ये दूसरा है ये येलो कलर का, तो इस पर फूल भी आ रहे हैं बने रहते हैं, तो इस पर फूल नहीं आ रहे थे क्योंकि इसलिए नहीं आ रहे थे, ये बहुत लैगी और इसने काफ़ी ब्रांच लंबे लंबे निकाले थे, तो ये मैंने सारी इसकी कट कर दी। ये देखो तो अब मैं क्या करूँगी, इनमें जितना भी है, मेरे पास हल्दी है मैं हल्दी लगाऊँगी, या आपके पास कोई फंगीसाइड है उसको लगा दीजिए यहाँ पे, तो मैं इन पे सभी पे ये हल्दी लगा दूँगी जिससे इससे फंगस ना लगे। और देखिए जो ये पीली मिट्टी होती है लाल मिट्टी, तो ये हमें जैसे गमले से बाहर करना है हमने अपने प्लांट को, तो ये जल्दी से नहीं होगा ऐसे करके या इसको ऐसे भी करके नहीं होगा, तो इसको हमें क्या करना है सीधे से इसे हमें एक पानी लेना है बकेट में और इसको इसमें डिप कर देना है बस, और ये कुछ एक घंटे या एक घंटे के आसपास या दो घंटे में ये घुल जाएगी। तो ये देखो पानी इसमें जा रहा है तो ये सारा इसको ये घुल जाएगी मिट्टी और धीरे धीरे फिर हम इसको निकाल देंगे। और अब मैं मिट्टी तैयार करूँगी। ये देखिए ये बारिश भी आने लगी है, तो बारिश में ये काम बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैं इसी का इंतज़ार देख रही थी। तो ये देखो मैं इसको ये वाला जो है प्लांट लगाने वाली ये ट्रैम्पिट का, तो इसके लिए मुझे सोयल बनानी है। तो इसमें क्या है, ये मेरी गार्डन सोयल पहले से ही तैयार थी, तो ये मेरे पुराने गमले की है जैसी मैं बनाती हूँ, तो मैं ये छत पे रखने के हिसाब से बनाती हूँ, तो ये लाइट वेट में बनाती हूँ। तो उसमें क्या करती हूँ, एक पार्ट गार्डन सोयल, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट ये कोकोपीट और एक पार्ट कोई भी कंपोज। तो ये मेरा तैयार है, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, मैं नीम खली डालूँगी इसमें और थोड़ा सा इसमें कंपोज डालूँगी, दो मतलब बड़ा गमला है तो तीन मुट्ठी डालूँगी और छोटा गमला होता तो उसमें दो मुट्ठी डालती हूँ मैं, तो मैं अंदाज से इसमें दो मुट्ठी ये नीम खली डाल देती हूँ। ये मेरे पास रखी रहती है तो ये मैंने खरीदी थी, तो ये दो तीन मुट्ठी मैं इसमें ये नीम खली डाल दी मैंने अंदाज से, और इसमें थोड़ा सा ये मेरे पास ये मैन्यूर रखा है तो मैं इसको डालूँगी, ऑर्गेनिक है ये मेरे पास तो इसी को डालूँगी और थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें पहले से ही काफ़ी है। और अब मैं इसको मिक्स करके इसमें आराम से और इसको लगा दूँगी इस प्लांट को। तो ये एक प्लांट तो मैं अभी लगाने वाली हूँ और अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी क्योंकि बारिश तेज आने लगी थोड़ा, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ। देखिए मैंने गमले में बड़े बड़े होल कर लिए, होल करने बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पानी निकलना ज़रूरी होता है प्लांट से। तो मैंने इसमें कुछ थर्माकोल के टुकड़े हैं, कुछ पत्थर हैं, तो ये नीचे इसलिए रखे जिससे ये मिट्टी हमारी ये बाहर ना निकले और ये सिर्फ पानी पानी निकले। तो इससे क्या होता है थर्माकोल से और इससे कंकड़ पत्थर से, तो ये मिट्टी बाहर नहीं आती। और आपके पास अगर गमले के टुकड़े हैं वो भी रख सकते हैं, नारियल के टुकड़े हैं वो भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो हम इसमें लगा सकते हैं नीचे। तो मैं अभी इसमें मिट्टी डालने वाली हूँ गमले के लिए, इतने अभी तो हमारा वो मिट्टी जो है अभी फूल रही है इसमें, अभी टाइम लगेगा और मैं इतने ये मिट्टी इसमें डाल के रख लूँगी और आपको जब ये निकाल के दिखाऊँगी। और देखते हैं इसे, दो तीन घंटे हो गए पानी में तो इसको निकाल के देखती हूँ, ये अभी तो ये हिल भी नहीं रहा, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इधर उधर से ये प्लांटर दबा के इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा हिला के नीचे ऊपर करके थोड़ा थोड़ा और तभी निकालूंगी, क्योंकि ये चिपका रहता है मिट्टी में, इसकी जड़ें वगैरह चिपकी हुई होंगी, तो इसलिए अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथ से इसको हिला लें। ये देखो ऐसे हल्के हल्के फिर नीचे पानी ऊपर नीचे करके और ये निकल के बाहर आ गया। ये देखिए इस पर अभी मिट्टी पूरी चिपकी हुई है, पूरी मैं इसको निकाल दूँगी
और देखिए ये गमले से तो मैंने इसको बाहर कर दिया धीरे धीरे हिला के, तो अब इसकी मिट्टी ऊपर नीचे हमें इसको करना पड़ेगा, और तब इसकी जो ये चिपकी हुई ये मिट्टी है सोयल, तो इसकी ये सूख जाएगी। ऐसे धीरे धीरे कुछ देर ऐसे ही करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ये पूरा देखो ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद है, ये जड़ है इसकी ये पूरी, तो इसको धीरे से आराम से निकालना। देखिए मैंने 5 मिनट तक इसको ऊपर नीचे किया और इसकी मिट्टी इसमें ये पूरा ये घुल गई है। मैंने हाथ फिर टच नहीं किया क्योंकि ये इसकी जो रूट है तो ये डर होता है कि टूट जाए कोई इसमें, तो अब मैं इसको लगा दूँगी। मिट्टी मैंने बिल्कुल तैयार की है, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो उसका पानी बना के इसको डिप कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं तो नहीं कर रही, ऐसे लगा रही हूँ। अगर आपके पास है तो उसमें डिप कर सकते हैं। अब मैं इसको गमले में लगा दूँगी। ये देखिए मैंने ये मिट्टी फिल कर रखी है इसमें, और इसमें बीचों बीच रखूँगी इसमें, इसके हिसाब से जो है मैंने मिट्टी रख ली है पहले ताकि वीडियो बड़ी ना हो। और अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी इसके ऊपर से, और मैं इसको पूरा फिल कर दी। इसमें मैंने मिट्टी फिल कर दी है इसके चारों तरफ से, और ये बीचों बीच सेंटर में रख दिया है, और ये अब लग के तैयार हो गया है। तो ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा दिया है 10 इंची गमला, तो इसमें ये सही रहेगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा बड़ा प्लांट था ये। वैसे मैंने इसको चारों तरफ से जहाँ लंबा था ये बेल सी निकल गई थी इसमें, तो इसको कट कर दिया है। तो अब देखिए अब ये बिल्कुल प्लांट का अच्छी सी शेप भी आ गई है इसको, तो आप इस समय आप कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसकी ये छोटी छोटी हमने ये कटिंग करनी है तो ये भी काम कर सकते हैं। और ये बरसात में, तो ये बरसात में ज़रूरी था क्योंकि ये रूट बैंड भी हो जाते हैं अगर, जैसे हमने वो मिट्टी में लगा हुआ था चिपके में और छोटा सा गमला था तो छोटे गमले में रूट बैंड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा गमला दिया और मिट्टी से भी निकाला, क्योंकि थोड़े दिन तो वो मिट्टी में उसमें चलता रहता, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता। अब मैंने लगा दिया है इसको, फिट कर दिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी दूँगी, पानी जिससे इसकी जड़ों तक अच्छे से इसकी जड़ें उसमें जगह बना ले अपनी पानी में, तो इतना पानी दूंगी कि नीचे से निकल जाएगी। वैसे इसमें काफ़ी नमी भी है, तो देखिए ये मिट्टी में इसमें देखते ही देखते ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो देखो इसमें टाइम तो लगता है मुझे, इसमें इस काम को करने के लिए मुझे आधा दिन से भी ज़्यादा लगा, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ा और मिट्टी जो है तब जाके इसकी घुली, काफ़ी 3-4 घंटे में जाके घुली, तब जाके मैंने ये इसको रिपोर्ट किया। तो ये अगर आपके भी ऐसे प्लांट हो रहे हैं पीली मिट्टी वाले हैं, लाल मिट्टी वाले सख्त वाले, तो या छोटे गमले में, तो आप इसको बड़ा गमला दे सकते हो और ये वाला रिपोर्टिंग कर सकते हैं जैसे मैंने किए। तो अब मैं इसको गमले को धूप से बिल्कुल बचा दूँगी और छाया में रखूँगी, जहाँ पर अच्छी रोशनी होगी तो बिल्कुल छाया होगी वहाँ पर रखूँगी 5-6 दिन, तो ये आराम से चलता रहेगा। और ये देखिए मेरी अभी मेरे पास बहुत सारे गमले हैं इसी तरह छोटे छोटे गमलों में मेरे कई सारे प्लांट रखे हुए हैं, जैसे ये है इधर भी है कई सारे हैं, तो उनको भी मैं कर दूँगी धीरे धीरे। और देखिए ये मिट्टी जो मैंने निकाली है इस प्लांट से, तो ये मिट्टी लाल मिट्टी ये भी किसी न किसी प्लांट में काम आ जाएगी, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ये मिट्टी उसमें काम आ जाती है, तो मैं इसको भी सेव करके रख लूँगी, पानी ऊपर से हटा दूँगी और इसको पानी पूरा निकाल के मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, फिर इसको भी मैं सेव कर लूँगी। और ये वीडियो मेरी रिपोर्टिंग ही कैसी लगी और अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।